शारीरिक कमजोरी एक रात में खत्म। बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उनकी ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। एक युवा वहां मौजूद था जो शारीरिक रूप से कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी और वह निरंतर अपने कमजोर शरीर के कारण हताश था। वह बुद्ध के पास गया और नम्रता से बोला, हे भगवान, मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मेरे शरीर में शक्ति नहीं है और यह मुझे हर काम में असफल महसूस कराता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम आज रात मेरे कहे कुछ सरल नियमों का पालन करोगे? युवक ने सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, आज रात तुम अच्छी तरह से भोजन करना, कुछ देर ध्यान करना और रात भर सिर्फ सकारात्मक विचारों में लीन रहना। सुबह होते ही खुद को ऊर्जावान महसूस करोगे। युवक को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुद्ध के बताए अनुसार करने का निश्चय किया। उसने अच्छी तरह भोजन किया, ध्यान किया और फिर अपने मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही आने दिए। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास जागने लगा और उसका मन शांत हो गया। रात भर वह विचार करता रहा कि उसकी कमजोरी सिर्फ उसके मन की उपज है। वह महसूस करने लगा कि शरीर से अधिक शक्तिशाली हमारा मन है जो आत्मशक्ति को बढ़ा सकता है। जितना अधिक हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे, उतनी ही हमारे शरीर में ऊर्जा महसूस होगी। सुबह होते ही युवक ने महसूस किया कि वह बिल्कुल ऊर्जावान और नया महसूस कर रहा था। उसने बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी शारीरिक कमजोरी केवल मेरे नकारात्मक विचारों के कारण थी। जब मैंने अपने मन में सकारात्मकता भरी तो मेरा शरीर भी मानो जाग उठा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा मन ही हमारे शरीर का नियंत्रण करता है। यदि मन दृढ़ और सकारात्मक हो तो शरीर भी सशक्त महसूस करता है। कमजोरियां सिर्फ बहाना होती हैं, असली शक्ति हमारे भीतर ही है। जिस तरह तुमने एक रात में अपनी सोच बदली, उसी तरह हर इंसान अपनी सोच को बदलकर जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। युवक ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया और अपने जीवन में आत्मशक्ति और सकारात्मकता को अपनाया। उसकी यह रात उसे एक नई दिशा और ऊर्जा दे गई। इस तरह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से उस युवक ने सीखा कि हर कमजोरी को मानसिक शक्ति और सकारात्मकता से दूर किया जा सकता है। असल में हमारा असली सामर्थ्य हमारे मन और विचारों में ही छिपा है, जो हमारी जिंदगी को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर सकता है।